उत्तराखंड के बागेश्वर में दो बच्चों के अंदर चीन के खतरनाक इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध लक्षण मिलने का दावा किया गया है। बच्चों के सैंपल की जांच पड़ताल जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 5 महीने का बच्चा है जिसको निमोनिया है, दूसरी एक 6 साल की बच्ची है करिश्मा, उसको भी निमोनिया है। दोनों की स्थिति अभी इम्प्रूव है और उनको इलाज किया जा रहा है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 4-5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन चीनी इन्फ्लुएंजा की आहट मानकर अस्पताल अलर्ट मोड में है। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 2 फिजिशियन हैं, हमने आइसोलेशन बेड वार्ड बनाया हुआ है और हमने पूरा ऑक्सीजन का इसमें हमारे 2 प्लांट चल रहे हैं और 68 बेड जो सारे बेड हमारे ऑक्सीजन से टच हैं, सारे में ऑक्सीजन है हमारे यहाँ और हमारे पीडियाट्रिशियन भी हैं। बीमारी चीन से चली है, इसलिए इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है आइसोलेशन बेड वार्ड आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित हो, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता पर फोकस किया जाए, साथ ही जो भी सैंपल हो उसे तुरंत जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। अगर ये बीमारी भारत में पैर पसारती है तो हमें इससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए करना क्या है। बच्चों को ठंड से बचाएं, लक्षण दिखने पर बच्चों को आइसोलेट करें, बच्चों को अपनी मर्जी से दवा ना दें। ध्यान रहे, वायरस वाली बीमारी में 5वीं स्टेज में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करें। चीन में इस रहस्यमयी बीमारी से ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है जैसा कोरोना के शुरुआती दिनों में मचा था। चीन इसे सामान्य निमोनिया बता रहा है। इस बीमारी ने अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। ओहियो में 150 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। नेपाल में भी अलर्ट हुआ है। भारत के हेल्थ एक्सपर्ट भी चीन के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तक जो भी WHO से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसके बारे में पुख्ता और विस्तृत जानकारी दें, जो कि पिछली बार आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत ट्रांसपेरेंसी डाटा आया नहीं वहां से, ट्रांसपेरेंट डाटा चाइना से, तो इस बार चिंता का विषय यही बना हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नॉवेल ऑर्गेनिज्म या नॉवेल वायरस जो डायग्नोस नहीं हुआ है वो इस निमोनिया की वजह हो। अगर ये नया वायरस नहीं है तो फिर उत्तरी चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों से अस्पताल क्यों भर रहे हैं?